नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी और मल्टी टैलेंटेड लोधी राकेश राजपूत जी, जो कि मिस्टर दिल्ली भी रहे हैं और एक फिल्म स्टार भी हैं और भारत सरकार में वो एपीएस रहे हैं और वर्तमान में कांग्रेस के वो एआईसीसी मेंबर हैं। तो आइए जुड़ते हैं हम और उनसे जानते हैं उनके जीवन के बारे में। क्या मैं उत्तर प्रदेश एटा का रहने वाला हूँ और किसान परिवार में जन्मा हूँ। मेरे फादर किसान है और एटा के जो नामी पहलवान है उनमें से मेरे फादर का नाम आता है और मुझे पहलवानी विरासत में मिली आनंद जी। दूसरा, जब मैं 95 में मिस्टर दिल्ली का चुनाव लड़ने गया दंगल करने के लिए और 95 में मैं चुना गया, वहां से मेरी लाइफ में चेंज आया। 95 में मिस्टर दिल्ली बनने के बाद मुझे फिल्मों का ऑफर आया। पहली फिल्म थी मेरी अर्जुन पंडित, जिसमें सन्नी देओल हीरो थे और जूही चावला जी हीरोइन थी। उसके बाद फिल्मों का सिलसिला चालू हो गया, अर्जुन पंडित, फर्ज, मा तुझे सलाम, किस्मत, जल्ला, बिग ब्रदर और उस टाइम बच्चों का चहेता एक सीरियल आता था शक्तिमान, उसमें भी मैंने 10 एपिसोड काम किया था। उसके बाद आजकल सच्ची घटनाओं पर आधारित है एक सीरियल आता है जिसका नाम है सावधान इंडिया, उसमें भी मैं इंस्पेक्टर बन के आता हूँ। और आने वाली फिल्म है मेरी अर्जुन पंडित के जो मेरे नायक थे सनी देओल साहब, उनके साथ मैंने काफ़ी फिल्में की और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं धर्म जी के बेटे सन्नी जी के साथ और बॉबी देओल जी के साथ और उसके बाद अब मुझे मौका मिल रहा है करण देओल जी के साथ। जी हाँ, करण देओल जी हैं सन्नी देओल जी के बेटे, जो पल पल फिल्म से, पल पल दिल के पास फिल्म से लॉन्चिंग कर रहे हैं बॉलीवुड में। हम ये जानना चाहेंगे कि आप फिल्मी करियर से राजनीति में कैसे आए। फिल्मी करियर से राजनीति में कैसे आया, ये भी एक महत्वपूर्ण मोड़ आया मेरी लाइफ में। मेरे एल्डर ब्रदर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, उनको लोकसभा का टिकट मिला उत्तर प्रदेश एटा से ही और उन्हीं के चुनाव प्रचार के लिए मैं बॉम्बे से एटा गया और जब उनका टिकट कट गया, चुनाव प्रचार किया हमने 4-5 दिन, उसके बाद उसी दौरान फिल्म आदरणीय ऑस्कर फर्नांडिस साहब, जो कांग्रेस पार्टी के बहुत मुख्य लोगों में से लीडर हैं, जैसे अहमद पटेल साहब और ऑस्कर फर्नांडिस साहब, तो उनसे मुलाकात हुई तो वो मेरे सीधेपन से, मेरे बात करने से, मेरी बॉडी से इतने इम्प्रेस हुए तो उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ काम करिए, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करिए। तो भारत सरकार में काम करने का मौका मिला और जब भारत सरकार में काम किया उसी दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो विचारधारा है, और जब मैं छोटा था तब मैं सुनता भी था, देखता था कि देश के लिए और देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो बलिदान दिया है, और आज़ादी के बाद भी जब हम थोड़े समझदार हो गए तब देखा कि इंदिरा जी ने बलिदान दिया, राजीव गांधी जी ने बलिदान दिया और कोई मैंने पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं देखी जिसने देश के लिए कुछ ऐसा सेक्रीफाइस किया हो, त्याग किया हो, शहीद हुए हों, और इसीलिए मेरा लगाव कांग्रेस पार्टी से बढ़ता चला गया और मेरे मन में भी ये आया कि जब मैं कभी अगर समाज सेवा या राजनीति करूंगा तो सबसे पहले मेरी मनपसंद पार्टी होगी वो है कांग्रेस पार्टी। जैसे कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं और आप समाज सेवी भी हैं, तो आप ये बताइए कि आपका लक्ष्य क्या है, आप किस लक्ष्य को लेकर छत्तीसगढ़ में आए, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर लोधी समाज की जनसंख्या काफी है और लोधी समाज के जो हमारे अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, जिला अध्यक्ष हैं, समाज के जो नेता हैं, उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि हमारा ये निवेदन है, आने वाला अब 4-5 महीने बाद इलेक्शन है छत्तीसगढ़ में, तो समाज को न्याय दिलाने के लिए और समाज को एकत्रित करने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने कहा कि हमें आपका टाइम चाहिए। और जब मैं पीछे 22 तारीख को आया था छत्तीसगढ़, आज 25 तारीख हो गई और गांव-गांव में लोधी समाज के लोगों से मिला, सरपंचों से मिला, न्यायपालिका के जो सदस्य हैं उनसे मिला, जिला पंचायत अध्यक्षों से भी मिला, ex-MLO से मिला, तो देखा कि इस बार जो माहौल है छत्तीसगढ़ में, और खासकर कहूं कि लोधी समाज का, इस बार लोधी समाज एक जिसे कहते हैं गांठ में बंधा हुआ है। पहले जो मैं देखता था कि लोधी समाज बटा हुआ था, कुछ बीजेपी में थे, कुछ कांग्रेस में थे और कुछ दूसरे और दलों में थे, इस बार लोधी समाज ने ये प्रण लिया है, ये प्रतिज्ञा ली है कि इस बार जो पॉलिटिकल पार्टी लोधी समाज का साथ देगी
पूरा समाज उस पॉलिटिकल पार्टी का साथ देगा और प्रदेश में उसकी सरकार बनाएगा। तो जो मैंने देखा समाज के लोगों से मिला, अब उनकी बात लेकर मैं दिल्ली जा रहा हूं और दिल्ली जाकर आदरणीय पीएल पुनिया जी से और राहुल गांधी जी से उनके सामने समाज की बात रखूंगा। अच्छा, जैसे आप ग्लिप्स दौड़ में आए, तो आप ग्लिप्स दौड़ के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, कोई मैसेज? मैं आपके इस चैनल को मेरी तरफ से जो मेरा सूत्र है, मैंने कभी प्लानिंग नहीं की, क्योंकि मेरी मैं इस स्थिति में नहीं था कि मैं प्लानिंग करूं। हम लोग किसान जाति से आते हैं, सिर्फ हमें मेहनत करना आता है और ईमानदारी से मेहनत करना आता है। आप कोई भी लक्ष्य बनाइए और उस पर बिल्कुल चिड़िया की आंख की तरह उस पर निगाह रखिए और उसकी तैयारी करिए, उसके बाद आप देखिए उस लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पास जहां से मैं आता हूं उत्तर प्रदेश एटा से, आनंद जी वहां तो रेल का अभाव है, वहां रेल नहीं जाती। अगर आप दिल्ली से एटा जाना चाहें तो वहां ट्रेन से नहीं जा सकते आप। एटा आप लखनऊ से एटा आना चाहें तो नहीं जा सकते। कहने का मतलब वहां रेल नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। तो ऐसे गांव से उठकर अगर मैं मिस्टर दिल्ली बना, फिल्मों में गया, भारत सरकार में काम करने का मौका मिला और आज कांग्रेस पार्टी में एक सदस्य हूं और उसके बावजूद आज मैं इस लायक बना, ये लोगों का प्यार और मेहनत है कि आज मैं आपके स्टूडियो में आपके दर्शकों को इस काबिल समझते हैं कि मैं कुछ कहूं जिससे मेरे साथियों को, युवाओं को उससे प्रेरणा मिले और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी ईमानदारी से मेहनत से आप लग जाइए। किसी भी फील्ड में जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका हमारे साथ चर्चा करिए, बहुत सारा धन्यवाद। और हमारे साथ थे बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल से इस मुकाम को हासिल किया और हमने उनके जीवन के बारे में जाना, लोधी राकेश राजपूत जी। और हम भी आपके लिए शुभकामना रखते हैं कि आप और तरक्की करें और आगे जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी आपका, आपने मुझे इतना कीमती समय और मुझे ये इज्जत बख्शी, उसके लिए आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय लोधेश्वर।